अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें होंगी ओनली, ठीक है ना। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी जो फर्स्ट कंटेंट है, जो यूनिट का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी तक तो हम जनरल बातें कर रहे थे, अभी तक हम जनरल बातें कर रहे थे। इसमें भी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो पहला कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे, इट विल बी रिलेटेड टू द इकोनॉमी ओनली। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है, वहां से कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट होगा। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है, तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड करा। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, ये एक ही प्रॉब्लम है। हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या बोलते हैं इनको? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। थ्री फेजेस, जब हमने स्टार्ट ही करा था तो हमने पहली चीज क्या पढ़ी थी? फेजेस, वाइटल फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब डिस्पोजिशन, इन्वेस्टमेंट। तो कह रहे वो एक हुए फेजेस, कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, डिस्पोजिशन, डिस्पोज ऑफ करना। दे आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज एवरी सोसाइटी हैज टू फेस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? वो वही है, स्कैर्सिटी। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड। दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो हो गया ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नंबर वन। नंबर टू, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड, तो वो गई स्कैर्सिटी। थर्ड, दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो वो थे कॉजेज और रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। बिकॉज ऑफ दिस स्कैर्सिटी एवरी सोसाइटी हैज टू मेक अ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं इसको। इट हैज टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द स्कैर्स रिसोर्सेज। इट लीड्स टू द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स। नंबर वन, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, अब ध्यान से देखना, छोटी सी इंट्रोडक्शन। और these problems are called the central problems because these are the most basic problems of an economy. Okay, the three problems are studied under the problem of allocation of resources. So central problems of an economy or problem of allocation of resources, ek hi baat hai. Allocation, how the resources should be allocated, optimum utilization of resources. Yehi humne kaha tha ki agar scarcity hai to hamare paas kya solution hai? Optimum allocation of resources. Allocation of resources refers to the problem of assigning the scarce resources in such a manner so that maximum wants of the society are fulfilled. As resources are limited in relation to the unlimited wants, it is important to economize their use and utilize them in the most efficient manner. The problem of allocation of resources is studied under three heads: what to produce, how to produce, for whom to produce. अब एक-एक करके क्या हैं ये central problems? What to produce? क्या बनाएं? Consumer goods बनाएं, कपड़े बनाएं, खाने का items बनाएं, क्या capital goods बनाएं, machines बनाएं, cars बनाएं, या defense goods बनाएं, guns बनाएं, टैंक्स बनाए, क्या बनाए? ये कैसे डिसाइड होता होगा कि क्या बनाए? सर, जिस चीज की शॉर्टेज होती होगी, जिस चीज की ज्यादा डिमांड है। वेरी गुड सर। जिस और चीज की शॉर्टेज हो मार्केट के अंदर, लाइक उसकी ज्यादा। शाश्वता, माइक का कुछ ज्यादा लोग जो करना रहे हो वो चीज। ओके, मतलब लेस कंपटीशन इन दैट फील्ड। ठीक है, जिस चीज में कंपटीशन कम हो वो करो। तो जिस चीज में कंपटीशन कम है, ओके, मोनोपोली क्रिएट करो। अगर कंपटीशन कम है तो फिर तो मतलब ज्यादातर फिर रिसोर्स आएंगे ही नहीं फिर।
नहीं, कंपटीशन कभी कभी कम इसलिए भी होता है कि उसके लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो सब नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर ज्यादा लोग आपस में कम्पीट नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्ट बहुत रेयर है। अब शूज ज्यादा लोग बना रहे हैं या कार्स? शूज, कार्स, कार्स शूज से ज्यादा कंपनीज बना रही हैं। शूज, शूज तो छोटा आर्टिकल ना, कितनी ब्रांड्स होंगे जिनके हमें नाम भी नहीं पता होंगे, यस और नो? यस सर, यस सर, क्योंकि कार्स में हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये बात तो क्लियर है ना कि शूज ज्यादा लोग बना रहे हैं? यस सर। अब कार्स ज्यादा लोग बना रहे हैं या एरोप्लेन ज्यादा लोग बना रहे हैं? कार्स, कार्स। तो फिर कंपटीशन कम है एरोप्लेन्स में, बोइंग है, एयरबस है, खोल लो। बट क्या होता है कि जहां कंपटीशन कम होता है, कोई रीजन होगा ना, वहां हैवी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है, मेजर लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, सबको परमिशन ही नहीं होती उस फील्ड में एंटर करने की। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली वी शुड प्रोड्यूस जिस चीज की हमारी कंट्री में डिमांड ज्यादा हो, यस और नो? यस सर। ये डिसीजंस कौन ले रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस? सर जिसे कंपनी खोलनी है वो ही लेगा डिसीजन। प्रोड्यूसर्स, वेरी गुड, प्रोड्यूसर्स, यस और नो? प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे ना व्हाट टू प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूसर क्या हमेशा एंटरप्रेन्योर्स होंगे या कभी गवर्नमेंट भी हो सकती है? गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ध्यान से देखना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? एनीवन, एनी आइडिया वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और फर्म्स? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, they operate for profit maximization, maximization. So capitalist economy, it is operating for profit maximization. Isme koi doubt? No sir. Ek hoti hai socialist economy. Where the factors of production, where the factors of production are owned by the government, इनका objective क्या होता होगा? Social welfare. They are operating for, बोलो, welfare maximization. Social welfare. Very good. Welfare of the people, welfare maximization, social welfare. So, inka objective hai primary welfare of the people. Capitalist, profit maximization. What to produce? So, capitalist economy mein wo banayenge na jisme unka maximum profit ho. Socialist economy mein, socialist economy mein wo basic necessities pe focus karenge. Yes or no? Yes, sir. तो इट डिपेंड्स, इन रियलिटी हम आगे जाके सीखते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी कि हमें बनाना क्या चाहिए। बट जनरल डिस्कशन में व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। What to produce and the quantity, मतलब in what quantities? Every economy has limited resources. क्या आप सब कुछ बना सकते हो? No sir. अगर मुझे पढ़ाना है, मेरे limited resources हैं, तो I have to make a choice.
कि कितनी देर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, कितनी देर मुझे अकाउंट्स पढ़ाना है। ऐसा हो सकता है कि मैं पूरे दिन अकाउंट्स भी पढ़ा दूं और पूरे दिन इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दूं? नहीं सर, माय रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आई हैव टू मेक अ चॉइस व्हाट टू प्रोड्यूस। मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा देते, इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा देते, SST क्यों नहीं पढ़ा देते? आई हैव टू मेक अ चॉइस व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। व्हाई? बिकॉज एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दस cannot produce all the goods. More of one good or service usually means less of others. अगर मैं economics ज़्यादा देर पढ़ाना चाहूँगा तो उसका consequence क्या होगा? अगर मैं दो ही subject पढ़ा रहा हूँ, economics and accounts, तो अगर मैं economics ज़्यादा देर पढ़ाना चाहूँगा तो उसका consequence क्या होगा? Accounts में time कम हो जाएगा, मुझे accounts का time कम करना पड़ेगा। और अगर मैं अकाउंट ज्यादा देर पढ़ाना चाहूंगा तो मुझे इकोनॉमिक्स का टाइम कम करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। तो मोर ऑफ वन गुड, अगर आपको एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है, इट यूजुअली मींस लेस ऑफ अदर्स। यू हैव टू सैक्रिफाइस प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। एज अ फार्मर, आपके पास लिमिटेड लैंड है, आपकी जो फील्ड है, आप उस पर अगर पूरे राइस बना रहे हो, कह रहे यार वीट भी बनाना है मुझे, तो इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वीट, हाउ इज इट पॉसिबल? बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इफ द रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड आपने पूरे यूज कर रखे हैं, तो इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, यू हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड। यस सर। सो द प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स, अगर मोर वॉर गुड्स की सिचुएशन ऐसी है, डिफेंस आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वॉर गुड्स, इट इज पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अब खाना पीना कम, डिफेंस गुड्स पे ज्यादा। सो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस गुड्स, तो ये कीवर्ड आया कि क्या हम बनाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, जिसके इम्पोर्टेंस ज्यादा है वो बनाएंगे। एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड which goods should be produced and in what quantities. This is a problem of allocation of resources among different goods. So this problem has two aspects: what to produce and how much, in what quantities. An economy has to decide which consumer good, rice banaye, wheat banaye, clothes banaye, and which capital good, मशीन ज्यादा बनाए, इक्विपमेंट ज्यादा बनाए, फर्नीचर ज्यादा बनाए, कंप्यूटर ज्यादा बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। इन द सेम वे इकोनॉमी हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन सिविल गुड्स और वॉर गुड्स, मोर ऑफ कंजम्पशन गुड्स और मोर ऑफ कैपिटल गुड्स, मोर ऑफ सिविल गुड्स और मोर ऑफ वॉर गुड्स। दे हैव टू मेक अ चॉइस। हाउ विल दे मेक अ चॉइस? ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। हाउ मच टू प्रोड्यूस? After deciding the goods to be produced, economy has to decide the quantity of each commodity that is selected. It means it involves a decision regarding the quantity to be produced. Of consumer and capital goods, civil and war goods, kitna kitna banai? As this problem has two aspects, it is also termed as what to produce and in what quantity. Guiding principle, how will you take the decision? Guiding principle wo hota hai, allocate the resources in a manner which gives maximum aggregate satisfaction. Kya hai us hisab wo banao jisse satisfaction maximum ho jaye economy ki. The central problems, number one, what to produce and in what quantities. So it involves selection of goods and services. More of consumer goods or more of capital goods? More of war goods or more of civil goods? It depends on the importance of various goods or need of the economy. What to produce? Clear? Yes, sir. Next problem is how to produce. How to produce? This is the problem of choice of technique, selection of technique. आपके पास दो तरीके होते हैं production के. एक होता है labor intensive. लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर ज्यादा, कैपिटल कम. एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल ज्यादा, मशीन ज्यादा, इंसान कम.
तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव का मीनिंग क्लियर है? इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर इंसान ज्यादा, लेस कैपिटल पैसा कम मशीन कम इंसान ज्यादा मैनुअल वर्क ज्यादा. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मोर ऑफ कैपिटल लेस ऑफ लेबर. तो कैसे डिसाइड होता होगा कौन सी टेक्निक ज्यादा सुटेबल है? शाश्वता, बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट आर यू प्रोड्यूसिंग. दृष्टि, व्हाट आर यू प्रोड्यूसिंग? ओके, एनीवन एल्स? हाउ विल यू डिसाइड व्हिच टेक्निक यू शुड फॉलो? एनीवन विदाउट रीडिंग? इसके अंदर कम पैसे लगे एंड हम जिसके अंदर कम पैसे लगे. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? यस सर. शाश्वता? यस सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी. मतलब कह रहे हैं आप जैसे इंडिया है, इंडिया में इंसान ज्यादा है या पैसे ज्यादा है? इंसान ज्यादा है. या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, तो हम क्या टेक्निक हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होगी? लेबर इंटेंसिव. बट यूएस में पॉपुलेशन कम है तो उनकी तो लेबर काफी कॉस्टली होती है. जो सर्विस हमें यहाँ पे 500 रुपए घंटा मिल जाएगी, वहां पे हो सकता है उसमें $50 देने पड़ जाए पर आर. यस और नो? यस सर. वहां लेबर बहुत कॉस्टली है, तो जहाँ पॉपुलेशन कम है वहां लेबर बहुत कॉस्टली होगी. तो अगर उनकी लेबर कॉस्टली होगी तो उनको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए या लेबर इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव. तो इवेंचुअली इस डिसीजन पे कैसे पहुंचे? हमें अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है. तो बिल्कुल सही बताया था शाश्वता ने भी, कॉस्ट मिनिमाइजेशन इज द फोकस. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एक ही बात है. कॉस्ट मिनिमाइज होगी तभी प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे. यस सर. यस सर. हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाना क्या है, कितनी क्वांटिटीज में, ठीक है. अब कैसे बनाना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव? दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अ गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. बाय द टेक्निक वी मीन व्हिच पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू बी यूज्ड. जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक, CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. For example, textiles can be produced either with a lot of labor and a little capital, or with less labor and more capital. कह रहे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है. आप डिसाइड करो, आपके पास पैसे हैं मशीन्स खरीदने के लिए. तो availability of factors and their relative prices, it helps in determining the choice of technique. Important point है. तो availability of factors and their relative prices. The selection technique is made with a view to achieve the objective of raising the standard of living of the people and to provide employment to everyone. For example, in India, labor intensive technique is preferred due to abundance of labor. Whereas in countries like USA, England, they prefer capital intensive technique due to shortage of labor and abundance of capital. How to produce? What is the guiding principle? Combine the factors of production in such a manner so that maximum output is produced at minimum cost using the least possible scarce resources. The focus is cost minimization, profit maximization, optimum allocation of resources. तो दो प्रॉब्लम स्टडी करी अभी हमने, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. नंबर टू, हाउ टू प्रोड्यूस. नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है, पहले आप इतना रीड करेंगे.